दोस्तों आज के वीडियो में हम सभी जानेंगे अलग अलग प्रकार के लाफिंग बुद्धा जो कि आजकल बहुत प्रचलन में है, घर में लोग रखते हैं, जो कि दुर्भाग्यों का नाश करता है। अगर आपको पैसे की दिक्कत हो रही है, काम धंधा जैसे कि आजकल वैसे ही चौपट है कोरोना महामारी की वजह से, तो ऐसे में आपको कुछ राहत दे सकता है। तो जानते हैं कि लाफिंग बुद्धा का कैसे प्रयोग करके आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, घर के वास्तु को ठीक करके थोड़ा पॉजिटिव माहौल बना सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। आइए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल। आजकल का जीवन इतना कठिन हो गया है कि शांति से जीने का कोई रास्ता नहीं है। ऊपर से ये महामारी, हर किसी को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्योतिष शास्त्र, कुरान, गीता इत्यादि सब सुखी जीवन जीने के उपाय बताते हैं। वास्तु शास्त्र के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। आप में से कुछ लोग तो इसमें अत्यधिक विश्वास भी रखते होंगे और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विश्वास नहीं भी करते हैं। बाहर से सजावट की चीज़ें ला करके उन्हें घर पर रख देते हैं बिना कुछ जाने कि इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों ये चीज़ें बनी हैं, क्या कारण है कि इनकी इतनी आवश्यकता है। बस अच्छा लगता है और ले आते हैं। हम बात कर रहे हैं लाफिंग बुद्धा या कोई सुंदर सा कछुआ या हंसों का जोड़ा इत्यादि हमें अच्छे लगते हैं और हम इन्हें ला करके या तो किसी को गिफ्ट कर देते हैं या फिर अपने ही घर की सजावट के लिए कहीं भी रख देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वास्तु के अनुसार इन चीज़ों को सही जगह पर रखने से आप हर दुख बाधा से बाहर आ सकते हैं। तो आज हम आपको लाफिंग बुद्धा के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं दुर्भाग्य के नाश के लिए लाफिंग बुद्धा के प्रयोग के बारे में। धातु से बना हुआ सबसे पहले तो लाफिंग बुद्धा। कई लोगों में किसी निर्णय तक पहुंचने की क्षमता कम होती है, वो जल्दी ही कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं और घबराहट में आकर के निर्णय ले भी लेते हैं तो वो गलत साबित होता है। ऐसे लोगों को अपने ऑफिस या घर में हमेशा धातु से बने हुए हंसते हुए बुद्धा की प्रतिमा रखनी चाहिए। इससे ऐसे लोगों की निर्णय क्षमता बढ़ती है। दूसरा, लाफिंग बुद्धा जिसके दोनों हाथ ऊपर हों। ऐसा भी देखा होगा आपने, व्यापार में हमेशा नुकसान होना या पैसों की कमी का सामना करना पड़ रहा हो तो आप अपने ऑफिस या दुकान में दोनों हाथ ऊपर किए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रख सकते हैं। यह बहुत लाभकारी सिद्ध होगी और इससे व्यापार में वृद्धि होगी। इसके अलावा अब जानते हैं जो लाफिंग बुद्धा लेटा हुआ होता है उसके बारे में। यदि किसी को उपहार में लाफिंग बुद्धा देना है तो लेटे हुए लाफिंग बुद्धा को देना चाहिए। यह देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए काफ़ी लाभकारी होता है, दोनों को समृद्धि की ओर ले जाता है। और अगर किसी को हर एक कार्य में असफलता और दुर्भाग्य प्राप्त हो रहा हो तो उन्हें घर या दुकान में लेटे हुए लाफिंग बुद्धा रखना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे दुर्भाग्य की समाप्ति होने लगती है। अब बात करते हैं लाफिंग बुद्धा की जो कि बच्चों के साथ विराजमान हो। लाफिंग बुद्धा की ऐसी मूर्ति जिसमें वह कई सारे बच्चों के साथ बैठे होते हैं, उसे घर पर रखने से आप जल्द ही संतान सुख प्राप्त करते हैं। लाफिंग बुद्धा दंपतियों के लिए वरदान सिद्ध होते हैं। लाफिंग बुद्धा जो कि ड्रैगन के साथ बैठे हों, जी हाँ, ड्रैगन पे बैठे लाफिंग बुद्धा को अपने घर या ऑफिस में रखना चाहिए। यदि आपको महसूस हो रहा हो कि किसी ने आपके घर के आसपास जादू टोना किया हो या किसी की बुरी नज़र आपके घर पर हो और नकारात्मक शक्तियाँ भी हों, तो इससे आपको बचने के लिए रखना चाहिए। इससे सारी नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और पॉजिटिविटी आती है। धन की पोटली के लिए भी लाफिंग बुद्धा होता है। कौन सा? किसी भी घर या ऑफिस में धन की पोटली अपने कंधों पर टांगे हुए लाफिंग बुद्धा रखा जाए तो ये शुभ माना गया है। अच्छे रोजगार के लिए पोटली वाले लाफिंग बुद्धा रखने से रोजगार में बढ़ोतरी होती है। अगर नया रोजगार शुरू किया है तो शुरुआत से ही लाफिंग बुद्धा रखने से जल्द ही रोजगार बढ़ जाता है और मुनाफा भी ज़्यादा होने लगता है। अब बात करते हैं लाफिंग बुद्धा जो कि नाव पर बैठे हुए होते हैं। नाव पर बैठे हुए लाफिंग बुद्धा को हमेशा जिस टेबल पर काम होता है उस पे नाव अंदर की ओर आते हुए रखना चाहिए। इससे तरक्की के रास्ते खुद ब खुद खुलते रहते हैं। ध्यान में लीन लाफिंग बुद्धा। जी हाँ, यदि आपके घर हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है तो घर पर ध्यान में लीन लाफिंग बुद्धा को जरूर रखिए। इससे उस जगह का माहौल शांतिपूर्ण बना रहेगा और वहाँ उपस्थित लोगों का गुस्सा भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये लाफिंग बुद्धा को प्रयोग करने का तरीका है कि किस स्थिति में कौन से लाफिंग बुद्धा को आप इस्तेमाल करेंगे और उसका लाभ प्राप्त करेंगे। तो ये आज की वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।